हेलो गाइस, मैं उलीशा, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, आए दिन दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शादी में एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना ही खर्च कर ले, लेकिन दहेज लोभियों का दिल नहीं भरता। अभी हाल ही में परिवार ने शादी में 40 लाख रुपए खर्च किए, उसके बाद भी दहेज के लोभियों का दिल नहीं भरा। शादी के बाद फॉर्चूनर कार की मांग करते हुए विवाहिता से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले पति ने अपनी पत्नी को घर में बंधक बनाकर परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर चला गया। विवाहिता के मायके वालों ने पुलिस की मदद से पीड़िता को घर से बाहर निकलवाया और उसे अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर पति के साथ ही ससुराल और उसके परिवार के 9 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। दरअसल अमृतसर के रहने वाले बलविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी कोमलप्रीत कौर की शादी 19 जुलाई 2018 को मोहल्ला गुरु का खूह में रहने वाले ढोटियों के रहने वाले इंद्रजीत सिंह से किया। इंद्रजीत सिंह सैनिटरी का काम करता है। उन्होंने शादी पर करीब 40 लाख खर्च किए। इसके बावजूद शादी के कुछ दिन बाद ही बेटी को दहेज लाने के लिए परेशान किया जाने लगा। दिसंबर में कोमलप्रीत 2 माह की गर्भवती थी, लेकिन ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसका गर्भ गिरा दिया। इसके बाद लगातार फॉर्चूनर कार की मांग करने लगे। उन्होंने फिर भी ये कहते हुए स्विफ्ट कार दे दी कि उन्हें अपनी छोटी लड़की की भी शादी करनी है। और इसके बावजूद इंद्रजीत सिंह ने अपने परिवार के साथ ही मिलकर कोमलप्रीत को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 1 जून को इंद्रजीत उसे घर में बंद कर खुद परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर चला गया। कोमलप्रीत के पास कोई फोन भी नहीं था। पूरी रात वे घर में बंधक बनकर रही। अगले दिन वे किसी तरह घर का दरवाजा तोड़कर बाहर आई तो मेन गेट पर भी ताला लगा था। शोर मचाने पर आए पड़ोसियों ने उन्हें इसकी जानकारी दी। वहीं थाना सिटी प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति इंद्रजीत सिंह, सास गीता रानी, ससुर अमरजीत सिंह नंदपुरकान के अलावा अन्य रिश्तेदारों हरशिंदर सिंह, स्वीटी और प्रताप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।